मैं फर्जंद रसूल इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बैतुश शरफ की तरफ जा रहा था। रास्ता चलते चलते मैं उन परेशानियों और मुश्किलात के बारे में सोच रहा था कि जिनमें मैं खुद गिरफ्तार था, और ये चाहता था कि इमाम की खिदमत में पहुंचकर उन मुश्किलात को बयान करूं। जब मैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा तो इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज करता, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम उन नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हो जो खुदा ने तुम्हें अदा की है? ये सवाल सुनकर मैं खामोश रहा और मुझे कुछ समझ में ना आया कि मैं जवाब क्या दूं। तब इमाम अलैहिस्सलाम ने खुद उन नेमतों का तज़किरा किया जो खुदा ने हम में से बहुत सों को अता की है, लेकिन हम उन नेमतों से बेखबर हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें मोमिन बनाया है और मोमिन बनाकर तुम्हारे जिस्म को जहन्नम की आग से बचाया है, तुम्हें सेहत दी है, तुम्हें अपने हुक्म पर अमल करने की ताकत अता की है, तुम्हें कनाअत पसंद बनाया है ताकि तुम दूसरों के सामने हाथ फैलाकर अपने आप को जलील व खार ना करो। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने पहले ही तुम्हें इन नेमतों की याद दिलाई क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि तुम उससे शिकवा करना चाहते हो जिसने तुम्हें ये नेमतें अता की हैं। उसके बाद फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें 100 दीनार देने के लिए कह दिया है, जाओ और जाकर उन्हें ले लो, उन्हें ले लो।